फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल जर्दा पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बसंत पंचमी पे बनाया जाता है। सरस्वती जी के लिए प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, भोग लगाने के लिए। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बिना चाशनी के ये पुलाव बनाना बताऊंगी। तो चलिए बताते हैं कैसे मैंने बनाया है और क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए। तो चलिए झटपट बनाते हैं बसंती पुलाव। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल राइस और चीनी मैंने लिया है थोड़ा कम उससे, और केसर दूध लिया है यहाँ पे, और यहाँ लौंग लिए हैं 2-3, और इलायची, और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम किशमिश लिया है, चिरौंजी लिया है, और इसको हमें कट कर लेना है। और उसके बाद ये मैंने फूड कलर लिया है, जिसका कि इसमें हम थोड़ा यूज़ करेंगे, करेंगे। थोड़ा यूज़ करेंगे हम इसमें। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, और जो मैंने ये लिया था केसर, उसको मैंने दूध में भिगो दिया है ताकि दूध में इसको इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। फिर मैंने एक भगोने में पानी लिया है और उसको बॉयल कर लिया है, और फिर जो राइस था उसको अच्छे से 2-3 पानी से हम धो लेंगे। इसको धोने के बाद फिर इसको हम इसका पानी निकाल देंगे, और फिर हम जो पानी बॉयल हो गया है उसमें हम ये डालेंगे चावल को, और इस पानी में हमें लौंग और 2 इलायची को इसके अंदर डाल देना ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद इसको हिलाते हुए हमको इसको पका लेना है। इसको हमें 80% तक कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमको कुक करना है, पूरा नहीं करना है। तो इसके बाद अब हम ये हो गया है 80%, तो मैं इसको छान लूँगी छन्नी में, जो राइस के लिए छन्नी होती है उसमें। देखिए मैंने छान लिया है और एकदम ये खिले खिले बन गए हैं। और उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद इसके जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके लिया है वो ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर भून लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ले लिया है। इसमें किशमिश आप चाहो तो भून सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने किशमिश को नहीं भूना है, नहीं तो किशमिश कभी कभी जल जाती है। तो मैंने इसमें काजू बादाम और नारियल और इसमें चिरौंजी को मैंने भून लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और इसको भूनने के बाद हम निकाल लेंगे प्लेट में, और ये जो किशमिश है इसको हमने नहीं भूना है इसमें, वो मैंने दिखाया है। और अब मैंने इसको देखिए दूसरे प्लेट में निकाल लिया है, और इसी सेम कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 तेज़पत्ता, लौंग और इलायची। इलायची को मैंने थोड़ा तोड़ लिया ताकि फ्लेवर अच्छा आए, और थोड़ा सा सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, पर सौंफ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर मैंने सौंफ का यूज किया है। और उसके बाद जो मैंने राइस कुक करके लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद इसमें मिला लूँगी मैं अच्छे से। तो मिला लिया है मैंने, देखिए अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर मिलाने के बाद फिर हम शुगर ऐड करेंगे, और देखिए ये मैंने मिला लिया अच्छे से। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमें बे लीफ को निकाल देना है, क्योंकि इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ गया है। अब मैंने जो 1/2 बाउल शुगर मैंने लिया है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको हल्के हाथों से हमें मिला लेना है, देखिए मैंने हल्के हाथों से, ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से खड़े रहें, टूटे नहीं। हल्के हाथों का ही हमें यूज करना है। और इसके बाद जो मैंने दूध में केसर भिगो के रखा था उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर भी लूँगी, अगर आपको नहीं पसंद हो तो नहीं डालें, और उससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर से मैं इस तरह से डाल दूँगी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। केसर को दूध में भिगा के डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आप चाहे तो पानी में भी भिगो के डाल सकते हैं, लेकिन दूध में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर किशमिश ऐड करेंगे, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हैं फ्राई करके पहले से, उसको हमको ऐड करना है। उसको डालने के बाद हमको हल्के हाथों से करना है, और ताकि हमारे जो पुलाव है वो अच्छे से रहे, टूटे नहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि, तो फ्रेंड्स देखिए विदाउट चाशनी भी हम ये जर्दा पुलाव बना सकते हैं, और झटपट से बन जाएगा हमारा ये जर्दा पुलाव। तो इस बसंत पंचमी आप ज़रूर बनाइए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा बनाने का तरीका। अगर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए,
कितनी आसानी से और झटपट हमने ये बासंती पुलाव रेडी कर लिया, जर्दा पुलाव। तो फ्रेंड्स आप बनाइए और सरस्वती माँ को भोग लगाइए, और ज़रूर बसंत पंचमी के दिन हमें ये पुलाव बनाना चाहिए अपने घर में। अच्छा रहता है बनाने से, माँ प्रसन्न होती हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और देखिए कितना अच्छा। और थोड़ा मैं इसको गार्निश और करके गार्निश कर दिया है मैंने, और जो हमने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे। और तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए न्यू न्यू रेसिपी के लिए। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू।